Thank you.
हमारा तो मजाक बना के रखा है। और ताकि पैसे तो दे उठे हमारे, और ताकि बस भाई बस था तू गाँव तो। और इतना मजा आया, और तू बोलो थको। कितना नाचा, कितना नाचा, बहुत नाचा। अभी तो तेल नाच रहा करना, देख तो जरा कितने सारे लोग आ रहे। तू एक मेरी घर आ रिया सुजी नरमाखे नचाना। चुप। ओ सॉरी, माफ करो दर्शको, आओ वासु। लेकिन अब इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगला नाटक कोरोना पर लेकर दूए। ताऊ जी, ओ ताऊ जी, थोड़े पौंडे हो जाओ, तुम तो बिल्कुल ही नजदीक बैठ रहे। ताऊ जी तो लॉकडाउन है, कोरोना वाले या ए वाले? ए वाले। चलो ठीक है, अपने घर तो आए बैठे रे। और आओ तो रोज बस समय आओ, लेकिन ड्राइवर मास्क लाओ न कंडक्टर, अतिशी सवारी आप बिना मास्क कर ही घूमी रहो। ये ड्राइवर और कंडक्टर में केस के कोरोना ही डाला तो प्यार तक रखते ना, तो सारी सवारी बीमार कर देनी। आओ भी तभी तो कल नाटक डोरी प्रॉप्स लेने स्पाटू जा रहा था। अरे तू धरा पूरा दे स्पाटू के प्रॉप्स ने इतनी दूर से भी चप के चला गई। ओ ना मुइए तब मौसम जमला धर्मपुर तो कुछ लोग मास्क लगा नहीं, प्लस स्पाटू कैंटोनमेंट एरिया है, इतनी कुछ नियम कानून ज्यादा बदलाव ने, मगर देखी भी सही था हाल, कुछ लोग बिना मास्क लगाए घूमे रे। वो तीना देख रो तो बच्चे दिशे तोड़ रो। दर्शको तुम सभी देवी विनती असो कि अपना भी रखियो ध्यान और अपने बच्चों का भी रखियो ध्यान। और सभी दे जरूरी बात, 15 दे 18 साल वाले बच्चा ने वैक्सीन लगा ली? नहीं मां, नहीं मां जी। चलो जिन्होंने लगा ली से बहुत बढ़िया, पर जिन्होंने नहीं लगा ली से भी हॉस्पिटल में जा रहो, लगाई सको फ्री में लगने लग रहे हैं। और तीन बात तरह ध्यान रखियो, मास्क पहने रखियो, हाथ धो रो रखियो, और दूरी बनाई रो रखियो। और आजकल तो सरकारी चला अच्छा नहीं, बगल 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 बंद नहीं होती, नाटक शुरू नहीं करना अभी। अरे देख क्यों मैं सारे सभी सामने मत खड़ा, आ तू करे रो 3 मिनट आके छैला। अरे ओ छैला, ओए सभी सामने छेड़ो आके ताके नहीं रे छैला के बुलाओए। ए छैला कौन आसो फिटे मुत्ते रे, तू ताके तो कुछ याद ही नहीं रहंदा। मारे नाटक करा जो हीरो है ना, तीसरा नाम है छैला। अच्छा छैला, ओ छैला 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 नहीं रे छैला, छैला फिर से छैला छैला नहीं छैला 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 कहाँ से लाऊं छैला नहीं छैला, समझ नहीं आ रहा है छैला तो तक इतनी बार सारा पक्के पता नहीं तेरी एंट्री और सोचल छैला माफ करो दर्शकों, रुकावट के लिए खेद है, पकड़ के बताओ। देख कितने सारे दर्शक आ रहे, नाच कर बाजू में पैसे देने, जो तेरे से चले आ ना तो अभी उठो चले रहे सी ऊपर, तब बोल रहे कि ना क्या पैसे कहीं जा रहे। चल शुरू कर। अरे सभी सामने ना मेरी बेइज्जती करना ना करा दी, अच्छी बच्ची तरह शुरू कर दे भी ठीक है ना। हाँ तो दर्शकों शुरू करते हैं नाटक काजी जी का भेष। काजी जी का भेष नन्ना नन्ना क्यों? आहो कुछ पैसे भी दे पागे इसी न
ना आ चार गेस तो ईमानदारी से लड़े सब बार हुआ कभी अकेले इस बार नहीं आता क्यों कोई नायका चाहिए ना आ तो तब इस बार न न न छेला नवा और छेले रा थेला नवा ओ मारना का चल तू जीता वारा चल चल तू जीता वारा गुरु महाराज आज जो मापन दे बितरी ना आऊ झाड़ू से अरे बात क्या हुई नहीं करना गुरु महाराज ये मेरा सुथड़ू इंदा लाड़ा बनाड़ा तो बोलो माने वाला लाड़ा मेरे घरे लाड़ी से ती लड़ाई हो गई आज अरे उल्लू अपने घरे अपनी लाड़ी सी नहीं होनी लड़ाई तब का रेकी री लाड़ी सी होनी बोल 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 बोला बोलो मेरे करनी बात ताजती एक महीने तक आज महीने रा आखिरी दिन सो कथा कैंसल बोले श्री रामचंद्र की जी आप कंसल्टेशन में बैठेंगे
देखा? हाँ काजी साहब। क्या देखा? छैला हाथ हिला रहा है, उसके हाथ के थैले में कुछ छुपा रखा है। क्या लगता है? वजनदार मालदार ठीक ठाक सा लगता है काजी साहब। सबको बुलाओ। चलो आप सब बादाम खड़े हो जाओ। तुम दोनों भाई हो? जी हाँ, मैं छैला और ये छबीला। छबील राम, तुम्हारा झगड़ा बैल की पूंछ का है। जब तक बैल को नहीं पूंछ नहीं आती, छबील राम का बैल छैले के पास रहेगा, और छबील राम ने छैले को बिना नथा हुआ बैल दिया, इसलिए सजा फरमाई जाती है कि छबील राम छैले की जमीन पर खेती करेगा। नहीं। यस। Oh!
छेले का
का थैला तो पहले से भी ज्यादा भारी और मोटा लगता है। इस वक्त तो चांदी नहीं नगद सोना लगता है। सबको बुलाओ। चलो अब सब बात अब खड़े हो जाओ, फैसला सुनने को सब तैयार हो जाओ। बूढ़े बाप की नाव में हत्या हुई, ये हकीकत है। आज से 3 दिन बाद छैला उसी नाव पर बैठा रहेगा और दूल्हे को पुल पर से ऐसी छलांग मारनी है जिससे छैले की मृत्यु हो जाए। अगर छैले की मृत्यु ना हुई तो दूल्हा गुनहगार साबित होगा। यस। छैला भाई, जो तुम काजी साबा के ना सोने री भरी थैली दिखाओ के ना सेना थमा के दो, काजी साबा देना तुम्हारे लेने को रखा। सोने री कौन सी थैली सकी? यही वाली जो तुम दिखाओ थे काजी साबा है, इंसान पर टेमा। अरे पागल, सोना नहीं है, पत्थर है। पत्थर पत्थर सोना नहीं। ए देख, अगर काजी जी ने मेरे खिलाफ फैसला लिया होता ना तो वे पत्थरा सी किनारा मुंडा फाड़ देता। ए मेरा हाथ सब खुले दिशा, तू बोल तो उड़ दो पक्षी भी मार दुए। पत्थर सनन करियो मुनके रे 3 टुकड़े कर दो। हच हच हच। ओरे बाप रे, हम मरे नहीं बंटा। गरंग जाओ पूरा सुतुगर दार छुट्टी मान। नन 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 बैठने तो ही त्यार सू। लेकिन ना पुल्ला बंद दे छलांग मारने के तैयार नहीं है सू। ए लो 500 रुपए और ले लो और माखे बख दो, तुम जीते औ हारा। दूल्हा की बात दरअसल ऋषि सुना की। अरे भाई नी ज्यादा मेरी औकात नहीं है, तुम माखे बख दो, तुम मेरे पिता रहते रहे नहीं तो बस से अपनी मौत मर गए, अब माखे नहीं मरना। आऊंगो आप नन 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 देखा रहा तो एक तरीके से मुझे गलत किया। का किया गलत? माहे काजी साबा है इसे पाथरा से डराना चाहिए था। बात तो सही है। और दूसरी बात भी माहे 3 पैसे लालच में देना चाहिए था। पर अगर से मासी पिछले 4 मुकदमा में मेरे न्याय कर देने ना दे सका हाँ। तो तू ऐसा कर दा ना। सही बोला। पर तू इतना उदास क्यों है सो? अकल तो आई नन्ना तुम्हारा इतना उदास के नहीं आसो। अरे जिंदगी में हर तरह के सुख मिले मम्मी तो सेवा करनी पड़नी भाई। चल दोनों मिलो कर दियो। चलो आ तो बैठो, जा रहा हूँ। और दूध दिन ना पा भूल लेनी पिछली बार भी भूलवा था, वो चीनी तली रखे। आओ 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 बैठो। पत्ती पांदे ने चा बना नगरा। छाला भाई के घर है ये? हां जी छाला।
ओ छैला छैला भाई का घर यही है जी जी भागो छैला छैला ओ छैला चार मुकदमों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया हुआ लालच में आके मैं सबके साथ बहुत अन्याय करता था लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफे में देता हूँ मेहरबानी काजी साहब लेकिन ये मेहरबानी क्यों ये मेहरबानी इसलिए ना जो तुम कचहरी में पत्थर नहीं दिखा रहे थे और हम लालच में आके उसे सोना समझ रहे थे और जो उन पत्थरों में से एक भी पत्थर मार देते ना हमारे तो कचहरी में मेरा तो राम नाम सत्य नहीं हो सकता इसलिए तोहफे के लिए शुक्रिया काजी साहब अब बताइए शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है ये क्या पूछ रहा तूने क्यों कहा काजी साहब अब तक ना शादी के बारे में ना मेरा ख्याल ही था और जब मनचाही लड़की मिली ना तब क्या उसको पसंद ही नहीं आया इसलिए अब तो कुआरा बैठा हुआ काजी साहब ए मनसुखा तो एक से बढ़कर एक लड़की लाने के लिए तैयार है सच्ची हाँ जी अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे भी कह रहा था कि तेरी भी मनपसंद लड़कियों के साथ शादी करवा दूंगा करानी शादी अभी कहाँ बोल रही इनारे कहाँ करानी हो तो कभी की दूर बैठ रही थी इनारे नखरे देखने लगी पूरे लेकिन तू तो मान सिकरी बस ब्याह करने में मना करो थी अरे राजा लेकिन अब तू गरीब कही रहा इतनी दौलत ताव पाया रहा तेरे साथ ही ब्याह ना करवाई अरे अभी दी लूट में जा रखी शादी के बाद सब लुटा ले चल शादी के लिए तैयार हो जा रातों रात अपनी गाड़ी तेरा सेठ बन बैठा अब सेठानी के बगैर ही संसार चलाना अरे मुए अब तो ब्याह करना ही पड़ना काजी साहब जी आप लड़की के पिता बनकर उसका कन्या दान कीजिए हाँ काजी साहब मुझे तो कोई एतराज नहीं है पहले मेरे पिता जी इसके साथ शादी करने के खिलाफ थे लेकिन अब इतनी दौलत देकर वो ना नहीं कह सकते क्यों पिताजी ठीक है चल भी छाला तू दूल्हा बढ़िया बैठो चलो भी शादी की तैयारी करो गाँव वालों को बुलाओ दुल्हन के लिए बुलाओ कुर्सी और खाने पीने वालों सजावट का सामान मिलाओ कहाँ रहेगा तुम आए नहीं सजावट का सामान लाओ चलो और तुम क्या सोच रहे बजाओ हमारा भूल हुआ आज भी आ रहा सब फोटो खिंचा लो